चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जहां अपनी अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने गिनवाने में लगी रहती है, वहीं मौका मिलने पर दूसरी पार्टी की गलती भी दिखाने में पीछे नहीं हटती है। अभी झारखंड की राजनीति में फिलहाल यही चल रहा है। खासकर झामुमो और भाजपा के बीच की तकरार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। बीते 24 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बरहेट से ही आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकाली। इस बीच लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुटलो गांव में बीते एक महीने से ब्रेन मलेरिया बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब तक इस बीमारी से पहाड़िया जनजाति के 7 से भी अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जिस क्षेत्र में यह बीमारी फैली है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सीएम बरहेट में होते हुए भी एक बार भी गांव नहीं पहुंचे और न ही पीड़ितों का हाल जानना चाहा। अब इस मामले पर झारखंड भाजपा के नेता सीएम सोरेन पर हमलावर हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी से लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी पीड़ितों से मिलने बड़ा कुटलो गांव पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ितों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने इस दौरान बाबूलाल मरांडी को गांव में पेयजल, सड़क, बिजली की समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बाबूलाल से विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की भी बात बताई, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह क्षेत्र वर्षों से मलेरिया जोन है और इस क्षेत्र में सबसे पहले सड़क और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में मलेरिया, ब्रेन मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारी समूल खत्म हो जाए, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और सरकार आपके द्वार पहुंचने का दावा कर रही है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन तक अपने क्षेत्र में रहे, लेकिन यहां इसलिए नहीं पहुंचे कि कहीं वे भी मलेरिया का शिकार ना हो जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर सीएम को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बाबूलाल ने सीएम पर ट्वीट लिख कर भी हमला किया है। बाबूलाल ने लिखा, लिट्टीपाड़ा और बरहेट के कई गांवों में मलेरिया के प्रकोप से अनेक बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन क्षेत्रों में भारत सरकार की योजनाओं को अटकाने लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सरकार में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इन दुर्गम क्षेत्रों में अब तक सड़क मार्ग से संपर्क नहीं हो पाया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हेमंत जी, यहाँ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालना बंद करें एवं अतिशीघ्र सड़क मार्ग का निर्माण कराएं। मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार दौरे पर हैं। सीएम झारखंड के सभी जिलों में जाकर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन सीएम सोरेन ने अब तक इन मलेरिया पीड़ितों के बारे में कोई भी सख्त कदम क्यों नहीं उठाया है, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।